साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने पिशावर जलमी के कप्तान बाबर आजम से मुतालिक गुफ्तगू में कहा कि बाबर एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन बतौर मैच फिनिशर बाबर ने अब तक खुद को साबित नहीं किया। निजी टीवी के शो में बात करते हुए शाहिद आफरीदी ने 26 फरवरी को पिशावर और लाहौर के दरमियान होने वाले मैच से मुतालिक गुफ्तगू की। साबिक कप्तान ने बाबर की परफॉर्मेंस पर बात करते हुए कहा कि इसमें ये खासियत है कि बाबर विकेट पर खड़ा रहकर दूसरे खिलाड़ियों को खिला सकता है, क्योंकि बाबर सेट होने में कुछ वक्त लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबर वर्ल्ड का नंबर वन प्लेयर है, इस मुल्क की पहचान है, लेकिन एक चीज बाबर के डिविलियर और विराट कोहली के लेवल पर आने में रुकावट बनती है, वो फिनिशिंग है। बतौर मैच विनर बाबर ने अब तक खुद को साबित नहीं किया। मेरी ख्वाहिश है कि बाबर मैच फिनिशर बनकर मैच को खत्म करे। शाहिद आफरीदी के बयान पर बाबर के दोस्त और पाकिस्तानी प्लेयर इमामुल हक ने भी अपना मौकिफ बताया कि बाबर का दोस्त हूँ, लिहाजा हमारी डिस्कशन में भी ये चीज आती है और बाबर भी इस चीज को तस्लीम करता है कि जिस तरह वो इतनी क्रिकेट खेल चुका है तो वो मैच को खत्म भी करके जाए। इमामुल हक ने कहा कि बाबर आजम भी तस्लीम करता है, मुझ में ये चीज आनी चाहिए कि मैच को दरमियान में छोड़कर जाने के बजाय मैच फिनिश करूं, जिसके लिए बाबर को अपने स्ट्राइक रेट पर भी काम करना चाहिए ताकि वो 50 होते ही अपनी मर्जी से ऐसा खेले कि बॉलर भी इसका सामना करने से डरे।